नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरमेश और आज हम बात करेंगे कार्डियो के बारे में कि कार्डियो क्या है, उसके टाइप्स कितने हैं, उसे किसने करना चाहिए और कितनी देर तक करना चाहिए। आज की वीडियो कंप्लीट बिगिनर्स के लिए है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं टफ जनरेशन, लेट्स गेट एजुकेटेड। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं दूंगा आपको एक फार्मूला जो शायद आपकी लाइफ बेटर बना सकता है। चलिए अब बात करते हैं कार्डियो के बारे में। जब भी मैं डाइट काउंसलिंग करता हूँ, मैं हमेशा क्लाइंट से हमेशा ये पूछता हूँ कि आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जिम जाता हूँ। मैं कहता हूँ फिर जिम में आप वर्कआउट शेड्यूल कैसा है आपका, तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन वेट ट्रेनिंग करता हूँ और एक दिन कार्डियो। 90% ऑफ लोग यही शेड्यूल फॉलो करते हैं, एक दिन वेट ट्रेनिंग, एक दिन कार्डियो। जब मैं ये पूछता हूँ कि आप कार्डियो के लिए क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं 20-30 मिनट्स ट्रेडमिल करता हूँ और 20-30 मिनट्स साइकिलिंग। तो मैं कहता हूँ कि आप दूसरा कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, तो कहते हैं वही मशीन पे तो कार्डियो होता है। तो देखिए, ये एक गलत मिथ है कार्डियो के बारे में। लोगों को लगता है कि वो मशीन कार्डियो है, बट ऐसा नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एक बैंक के बारे में सोचिए। जब आप किसी बैंक में एंटर करते हो, तो उस बैंक में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कैशियर डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हो, तो बॉडी में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उस डिपार्टमेंट को हम सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम, जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपके ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और आज का टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत सारे सिस्टम को मिलाकर चलती है, उसमें से ही एक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसका मतलब है कि आपकी हार्ट की फंक्शनिंग, आपका हार्ट कैसे फंक्शन करता है और वो कितने एफिशिएंसी से ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करता है। सो कार्डियो कोई मशीन ना होकर आपके हार्ट के फंक्शन को ही कहते हैं। और कार्डियो एक्सरसाइज, मतलब जो भी ऐसी एक्सरसाइज या जो भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है। सो आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्डियो कोई मशीन ना होकर आपके खुद के बॉडी का एक सिस्टम है। सो चलिए देखते हैं कार्डियो एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल। अब रही हमारी बाकी क्वेश्चंस की बात, तो बाकी क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे स्टूडेंट विशाल को, जिसने मेरी बहुत हेल्प की ये वीडियो क्रिएट करने में। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प। हुर कर हुर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यार, विशाल के लिए तो इस वीडियो पर एक लाइक बनता ही है। सो अब कार्डियो के टाइप्स कितने हो सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट कॉमनली जो फेमस है वो है स्टेडी स्टेट कार्डियो और HIIT, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग।
अब बात आती है कि कार्डियो किसने करना चाहिए, तो कार्डियो हर एक पर्सन ने करना चाहिए। और कितना करना चाहिए डिपेंड्स कि जब तक आपका एंड्योरेंस आपका साथ दे रहा है। कार्डियो करते वक्त बस एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कम से कम रेस्ट लेकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने को ट्राई करिए। और अगर आप अभी बैठे बैठे एक सिंपल सा कार्डियो एक्सरसाइज करना चाहते हो तो एक काम करिए, आप जहाँ पर भी बैठे हैं खड़े हैं सीधे हो जाइए। अब अपने फ़ोन को दोनों हाथों से पकड़िए और अब अपने राइट हैंड के थंब से सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। दैट्स इट। कार्डियो एक्सरसाइज करने के लिए सबसे ज़रूरी इक्विपमेंट अगर आपके लिए कुछ है तो वो है एक अच्छे शूज़। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ क्वालिटी एंड बजट फ्रेंडली शूज़ तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के एंड में, जाते जाते मैं एक फार्मूला दे दूंगा। तो फार्मूला ये है, अगर आपको अपने दिल को कमज़ोर बनाना है तो किसी से दिल लगाइए, पर अगर आपको अपने दिल को स्ट्रांग बनाना है तो रोज़ कार्डियो करिए। सो दैट्स इट। फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज। अब तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि हरमेश आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। थैंक यू।